नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि एनडीए गठबंधन कितनी सीटों पर बिहार में जीत दर्ज करता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए हो या इंडिया, दोनों अपनी अपनी तैयारी को लेकर अब चुनावी मैदान में उतरने वाला है। हम पटना जंक्शन पर हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, एनडीए जो है वो और इंडिया गठबंधन है, दोनों चुनावी तैयारी कर रहा है, कितनी सीटों पर जो नरेंद्र मोदी की जो भाजपा सरकार है कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? हमारा तो बिहार के 40 में 40 सीट भाजपा को मिलेगा। मोदी जी, हाँ मोदी जी तो काम कर रहे हैं जी, देश आगे जा रहा है तरक्की के ऊपर, तो हम तो कहेंगे 40 में 40 सीट जीतेगा बीजेपी। और इंडिया गठबंधन जो तमाम जो घटक दल हैं, जो गैर भाजपाई दल हैं, वो एक साथ आ रहे हैं, क्या वो एक भी सीट दर्ज नहीं करेगा? फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो एक घमंडिया गठबंधन है जी, वो एक घमंडिया गठबंधन है, समाज में दरार पैदा करने वाले हैं, जाति पाति की राजनीति करने वाले हैं। मोदी जी के पास सिर्फ एक ही विजन है, अमीरी और गरीबी जी, यही अच्छी विजन है। लेकिन इंडिया गठबंधन तो कह रही है कि मोदी की जो सरकार है वो सिर्फ अमीरों के साथ है। नहीं ना, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अमीर हैं या गरीब हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का उजाला गैस योजना जन जन तक पहुंचा है, उनका जो घर है जन जन तक पहुंचा है, बहुत सा उनका ऐसा है, राशन जो है आज कोरोना काल से चल रहा है गरीब तक पहुँच रहा है। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है? हाँ हाँ सरकार है, इसके पास दो ही विजन है, गरीबी और अमीरी, बस कोई जाति पाति का कोई विजन नहीं है, गरीबी और अमीरी। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या ख्याल है? घमंडिया गठबंधन, जाति पाति में समाज को फिर बांटने वाले हैं और बिहार को फिर लहकावेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि 40 सीट में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं? नहीं, हमारे मुताबिक तो नहीं, आपके पास आएंगे। ये बताइए, 24 का चुनाव होना है, एनडीए गठबंधन मोदी छोड़ के प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा ना एकदम। बिहार का जो 40 सीट है उसमें कितना दर्ज होगा? कुछ ना कुछ तो घाट भरा गई सीट तो जरूर बीजेपी का आएगा, बीजेपी का सीट बिहार में आएगा। कितना सीट आएगा बीजेपी? करीब करीब तो 30 से पार करेगा, 30 पार करेगा, हाँ एकदम पार। लेकिन ये जो थे वो कह रहे हैं कि बिहार में 40 में 40 सीट, कैसे कहा जाए, कुछ तो उसमें 19 में तो कुछ माइनस हो सकता है, माइनस हो जाएगा। क्या लगता है किसका? नहीं नहीं, उनको मोदी जी के ही हो गए जी, मोदी जी जीतेंगे। कितना होगा 40 सीट में से? 40 में वही 35 होगा, 35 हाँ। और इंडिया गठबंधन है वो सब जीरो में जाएगा, वो सब जीरो में जाएगा, जीरो पे निपट जाएगा। हाँ जीरो पे निपटेगा, हो ये सब मोदी का ही है। रवैया ठीक नहीं है तो किसका? यही लोग गठबंधन में, ये देखिए गठबंधन होने से नहीं, यहाँ करने का काम है, कर कीजिएगा तब ना नाम होगा। मोदी जी काम किए, इतना बड़ा अयोध्या बना दिए, ज्ञान बापी मंदिर के क्लियर करवा रहे, मथुरा राम मंदिर, क्या राम मंदिर पर सिर्फ बीजेपी को वोट कीजिएगा? काय आप सरकार नहीं थे, वो क्या ही बनाए, मोदी जी के बना दिए, मोदी का विकास पे वोट हो रहा है ना, विकास पे। मंदिर हिंदू मुस्लिम पर नहीं ना होगा, युवा लोग हम लोग हैं, हम लोग को नौकरी, युवा क्या चाहती है? नौकरी चाहती है। तो किसको किसको आप लोग 2024 में जिताएंगे, बीजेपी को या फिर एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? देखिए बिहार में तो अभी हम लोग को वोट ये दे रहा है नीतीश सरकार, दे रहे हैं वैकेंसी का। लोकसभा में क्या लगता है? लोकसभा में बीजेपी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है। हाँ बीजेपी। बताइए तो बिहार में 40 सीट है, 40 सीट में बीजेपी को कितना सीट मिलेगा और इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिलेगा, आपको क्या लगता है? अभी जो स्थिति है वैकेंसी निकल रहा है, ये सब तो नीतीश को आना ही चाहिए, इंडिया गठबंधन को। हाँ क्योंकि ये रेलवे वैकेंसी है 2018 के बाद अभी तक नहीं आया हुआ है, तो क्या फायदा है जब युवा लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, कुछ अति नहीं कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम से नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम कितना दिन खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो हिंदू मुस्लिम क्या होगा? सर 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 अच्छा आप बताइए, 24 का जो चुनाव होना है, एनडीए गठबंधन को 40 सीट है, तो एनडीए गठबंधन को कितना सीट मिलेगा और इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिलेगा आप लोगों के? भैया रुकिएगा, जाइएगा मत, ठीक है, इसके बाद एनडीए को 40 में 40 मिलेगा, 40 में 40 सीट, 40 में 40। तो इंडिया गठबंधन जो गैर भाजपाई दल है वो जो एकजुट हुआ है, जो जितनी भी पार्टी है उनका क्या होगा फिर? वो सारे फेल हैं, सब फेल है, सारे फेल, 26 के 26 पार्टी खुद में लड़ने में लगे हुए हैं। तो इतना जो मेहनत कर रहा है इंडिया गठबंधन, चौथी बैठक किया है, सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला होने वाला है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या लगता है? सीट शेयरिंग करने में ही इतना लेट हो रहा है तो क्या होगा उसका, सीट शेयरिंग ही इतना लेट हो रहा है जी, उसी में सब पीछे हो रहा है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं आप जी, जो पहले कांग्रेस वाला ही है वो ही नीतीश कुमार के ऊपर बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये नीतीश कुमार कांग्रेस को बोल रहे थे भ्रष्टाचार, और आज वो सब एक हो रहे, तो मतलब क्या वो सब एक ही भ्रष्टाचारी हो गए ना? ऐसा तो अपने खुद के दम पे लड़के दिखाओ और करके दिखाओ, विकास का काम करके दिखाओ तो फिर चलेगा। बीजेपी विकास का काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, सब कर रही है, आपको दिखाई भी दे रहा है, अपने
देश का जो अर्थतंत्र है वो अभी 5वें नंबर पे आ गया, पहले 10वें नंबर पे था। तो 10 साल में इतना विकास, मोदी सरकार काम कर रही है। हाँ, मोदी सरकार बहुत काम कर रही है। बिहार में बीजेपी को कितने सीट मिलेंगे एनडीए को? बिहार में मिलेगी 30 के आसपास, तो आराम से मिल जाएगी 30 के आसपास। हाँ, बाकी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन। हाँ, वो क्या है कि लोकल हो जाता है थोड़ा बहुत, या इसकी वजह से 10 सीटों के आसपास रहे, 30 तो आराम से बीजेपी ले ही जाएगी, 30 के प्लस ही जाएगी वो। 25 के 30 के बीच में आना चाहिए, बाकी अदर्स को भी आना चाहिए। जैसे ये 10 साल हो गया ना जी, तो वो हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है, समझ हैं। तो हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए यहाँ वैकेंसी 2018 से अभी तक रेलवे में वैकेंसी नहीं निकला है। 5 वर्षीय योजना होना चाहिए। मोदी सरकार में क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, अब सारा टेक्नोलॉजीकरण हो रहा है, तो रोजगार का अवसर कहीं घटा है और कहीं मिल रहा है। मोदी ने जो बोला था 2 करोड़ रोजगार की बात, नौकरियों की बात की थी, उस 2 करोड़ नौकरियों का क्या? हाँ, आज तो जितना भी मोबाइल है टोटल पहले बाहर से विदेश से आता था, आज टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडिया में, उसमें रोजगार मिल रहा है। सो उसमें तो युवा को रोजगार मिल ही रहा है, रोजगार सरकारी नौकरी खोजते हैं, सरकारी नौकरी सबका अवसर है, कहाँ से मिलेगा? 0.1% सरकारी नौकरी है, आबादी हम लोग का दुनिया भर है, तो कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही रहा है। तो देखा आपने, 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, चुनाव में अब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। ऐसे में बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, अब 40 लोकसभा सीटों पर जब हमने आम लोगों से बात की और उनका राय जाना, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो 30 प्लस बिहार में सीट दर्ज है वो जीत दर्ज करेगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन जो है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तो हमारे टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।